टू माई चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, आज जो DIY है वो है ऑयली स्किन वालों के लिए। तो विंटर सीजन में क्या होता है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि उनकी स्किन जो है वो काली पड़ती जाती है। जैसे जैसे सर्दियाँ और ज़्यादा होती जाती हैं, उनकी स्किन और ज़्यादा काली होती जाती है, ब्लैक होती जाती है, और स्किन ऑयली होने की वजह से उनका जो गोरापन है ना वो कहीं छुप जाता है। तो आज का जो फेस वॉश है, DIY, ये एक फेस वॉश है जो आप रेगुलर यूज़ कर सकते हो मॉर्निंग में या इवनिंग, जब भी आपका मन करे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप जब बाहर का कोई भी फेस वॉश यूज़ करते हो ना, जिन लोगों की ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, उन लोगों को तो ये DIY बहुत बेनिफिशियल है। उनको क्या करना है, अपना बाहर का फेस वॉश डेली नहीं यूज़ करना। अगर आप यूज़ भी कर रहे हो तो आप माइल्ड फेस वॉश यूज़ कीजिए, नहीं तो आप ये फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको तो इस फेस वॉश के इस्तेमाल से आपके स्किन का जो कालापन है वो दूर हो जाएगा, आपके स्किन का रंग निखर कर आएगा, और साथ ही साथ आपकी स्किन पे अगर दाग धब्बे हैं, एक्ने की प्रॉब्लम्स है, पिंपल्स की प्रॉब्लम्स है, तो वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि जिन लोगों की ऑयली स्किन है उनको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये फेस वॉश बनाते कैसे हैं। इस फेस वॉश को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो इन्ग्रीडियंट लिया है, सबसे पहले वो है मुल्तानी मिट्टी, जो आपको इजिली मार्केट में अवेलेबल है, इजिली मिल जाएगी कहीं पर भी। तो आपको यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी लेना है 1 चम्मच। मैंने यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी लिया है, शायद चमक की वजह से दिख नहीं रहा है। इसके बाद सेकंड जो मैंने लिया है वो है एलोवेरा जेल। आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बेसन नहीं ऐड कर रही हूँ, बट आप इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन वालों के लिए बेसन बहुत ही अच्छा होता है, वो इस चेहरे से आपके एक्सेस ऑयल को निकाल देता है, तो आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल, जस्ट मिनट आउट, ये ख़त्म हो गया है। तो 1 चम्मच आपको एलोवेरा जेल भी लेना है, और इन दोनों को मिक्स कर लेना है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन ड्रॉप्स, 2-3 ड्रॉप्स, इसके बीज भी आ गए। थोड़ा सा लेमन ड्रॉप, और आप चाहे तो इसको पानी में बना सकते हैं, और आप चाहे तो इसको, यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये गुलाबरी का रोज वाटर है, ये भी आपको 1 स्पून ही लेना है। मुल्तानी मिट्टी जो होती है ना, वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है सर्दियों में, लेकिन इसको ऑयली स्किन वालों को ही यूज़ करना चाहिए, ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी भी आपके स्किन से ऑयल को रिमूव करती है, और ड्राई स्किन वाले अगर ये यूज़ करेंगे तो उनके स्किन से ऑयल चला जाएगा, मॉइस्चर चला जाएगा, लेकिन ऑयली स्किन वालों के फेस से ये स्किन ऑयल को रिमूव करती है, बट स्किन को मॉइस्चराइज रखती है। तो ये आपका रेडी हो गया है। अब इसको आप क्या करना है, आपको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, और विंटर्स है तो ये बहुत ठंडा है, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, क्योंकि इसमें रोज़ वाटर है। तो इस तरीके से आपको अपने फेस पे लगा लेना है, क्योंकि ये फेस वॉश है मैंने आपको बताया था, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वेट करो कि जब तक ये आपके फेस पे लगा रहे ये मुल्तानी मिट्टी सूख जाए उसके बाद आप रिमूव करो, ऐसा नहीं है। आप 5 मिनट मसाज करके उसके बाद आप इसको फेस को वॉश कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें नीम का पाउडर भी ऐड कर सकते हो, नीम का पाउडर भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों के फेस पे पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि नीम का पाउडर जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, तो आप इसमें नीम का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कहीं जाना है या आप रेगुलर ऐसा यूज़ करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना झाग वाला, तो नीम के पाउडर की जगह पे आप ये यूज़ कर सकते हो। ये हिमालय का प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश है,
ये तो बहुत अच्छा होता है, आप सब लोगों को पता होगा। तो ये फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा झाग के लिए, तो ये अच्छा होता है। बट ये ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मैं पहले से बता दे रही हूँ। क्योंकि हिमालया, वैसे भी जो भी लोग अगर हिमालया यूज़ कर रहे हैं अभी विंटर्स में ड्राई स्किन वाले, तो अभी विंटर्स में बंद कर दें। ये फेस वॉश बहुत अच्छा है, बट स्किन को ड्राई करता है। तो चलिए इसको इस तरीके से कर लेना है, इस तरीके से मसाज करके, और आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए, बस 5 से 10 मिनट के लिए, ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है। 5-10 मिनट के लिए छोड़ के उसके बाद आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो मुल्तानी मिट्टी है ना, ये ऑयली स्किन वालों के लिए रामबाण है। आपका जो भी ये प्रॉब्लम है ना सर्दियों में कि आपकी स्किन काली पड़ जाती है, आप इसे डेली इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, आपकी स्किन बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आपकी स्किन में एक नया निखार आएगा। तो अगर आपके ब्लैक, मतलब सर्दियों में ऑयली स्किन की वजह से अगर पिंपल्स वगैरह भी आ रहे हैं ना, तो इस फेस वॉश के इस्तेमाल से पिंपल वगैरह भी चले जाएंगे और जो दाग धब्बे हैं वो भी दूर हो जाएंगे और आपकी स्किन बिल्कुल निखर जाएगी, खिल के बाहर आएगी। तो अब मैं अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ, क्लीन करके दिखा देती हूँ। वैसे मेरी स्किन ड्राई है, उसके बावजूद मैंने आपको ये फेस वॉश अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाया है, क्योंकि ड्राई स्किन वालों के लिए ये है नहीं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ ये ऑयली स्किन वालों के लिए है। तो चलिए मैं मेरा फेस क्लीन करके दिखाती हूँ। तो मैंने मेरे फेस को क्लीन कर लिया है। मैं आपको बता रही हूँ, जब आप इस फेस को, सॉरी फेस वॉश को क्लीन करने जाओगे, जैसे कि आप कोई भी फेस वॉश यूज़ करते हो अपने फेस पे, तो आप थोड़ी देर क्या करते हो, मसाज करते हो। तो इसको भी आपको पहले अपने फेस पे लगा लेना है। 5 मिनट के बाद जब आप धोने जाओगे तो आपको ना थोड़ा सा मसाज कर लेना है, जैसे कि एक फेस वॉश आप यूज़ कर रहे हो एक्चुअली। तो उस तरीके से आपको अच्छी तरीके से आँखों के ऊपर, आँखों के नीचे, जहाँ पे भी आपको, मतलब अच्छे से आपको फेस को क्लीन करना है, मसाज करना है, उसके बाद आपको वॉश करना है। आप देखेंगे रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है, बहुत फर्क पड़ेगा आपकी स्किन पे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।